वाहनों पर लगाई गई नंबर प्लेट के स्पष्ट निर्देशन हेतु ट्रैफिक पुलिस हरकत में आया है। अब स्पष्ट नजर नहीं आने वाले नंबर प्लेट के वाहनों पर कार्यवाही की जाएगी। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सही तरह से चले इस हेतु से ट्रैफिक विभाग हमेशा तत्पर रहता है। शहर में ट्रैफिक व्यवस्था हेतु हर चौराहे पर CCTV कैमरा लगाए गए हैं। यदि कोई वाहन चालक ट्रैफिक का नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे ई मेमो भेजा जाता है, लेकिन ई मेमो से बचने हेतु वाहन चालक वाहन की नंबर प्लेट पर कपड़ा लगा लेता है या नंबर प्लेट मोड़ देता है। पर अब ऐसे वाहन चालकों पर भी ट्रैफिक पुलिस कानूनी कार्यवाही करेंगे। अभी तक ऐसे करीबन 50 वाहनों को पुलिस ने डिटेन किया है। वडोदरा शहर ट्रैफिक पुलिस द्वारा अलग थी CCTV रूम है कि जेमा वाहन चालकों जो ट्राफिक नियमों भंग करे छे एमना विरुद्ध ई चलनना मेमो जनरेट करवामां आवे छे अने एमना घरे पोस्ट विभाग द्वारा बजावणी करवामां आवे छे। परंतु अमुक समय थी वाहन चालकों ई चलन थी बचवा माटे नंबर प्लेट में सुधारा वधारा करे छे, जेम के नंबर प्लेट वाळी नाखवी, नंबर प्लेट पर चुनरीओ लगावी, नंबर प्लेट पर काळा कलर थी कोईपण एक अक्षर ने ढांकी देवो, अथवा तो नंबर प्लेटनो जे अक्षर छे एने कोईपण धारदार वस्तु थी अर्धो रिमूव करी देवो, के जेना कारणे CCTV में ज्यारे ई चलन अमे जनरेट करीए छे त्यारे ए नंबर प्लेट जे छे एनी जे माहिती छे खोटी आवे छे अने अन्य वाहन चालको पण आना लीधे परेशान थता होय छे, जेथी आवा वाहन चालको खरेखर खूब गंभीर प्रकारनो एक कही शकाय के NC प्रकारनो गुनो करी रह्या छे अने आवी कामगीरी छे जे वाहन चालको द्वारा करवामां आवे छे खरेखर ખૂબ જ દુઃખદાયક બાબત છે અને આવા વાહનોને અમે લોકોએ 2 દિવસમાં ડ્રાઈવ રાખીને 56 વાહનો ડિટેન કરવામાં આવ્યા છે અને RTOનો મેમો આપવામાં આવેલો છે। હજુ પણ આવનારા દિવસોમાં આ ડ્રાઈવ વધારે સઘન બનાવવામાં આવશે અને જે વાહન ચાલકો આ રીતે કાયદાનો ભંગ કરી રહ્યા છે તેમના વિરુદ્ધ સખતમાં સખત કાર્યવાહી કરી અને RTOને ડિટેન કરીને મેમો આપવામાં આવશે।